गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट वी विल टेक योर अटेंडेंस। एंजल गामित, टीशा, कुश, प्रियंका, लीजा, संजना, केशवी, भावना, पटेलो, प्रियांशी, शिवानी, ध्रुव, तनुश्री जोशी, मनीषा शेखावत, ब्रज, साहिल शेख, धार्मिक, वर्षिल, मयूर, कृपल गामित, चौधरी दीप, आदित्य, पूजा, टीशा, गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग, स्टेफी, अनिरुद्ध, किरमी, लक्ष, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। टीशा, कैनिल, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, वंश, अभिषेक, वंश एंड अभिषेक, ठीक है। और कोई रह गया अटेंडेंस में? यश मोराडिया, निराली, नंदनी, ध्रुव, ध्रुव एसवीवी, मितेश, जयवीर, व्रुत, व्रुत, कुश पटेल, चलो नील, नील हैज ऑल्सो ज्वाइंड, नील पटेल, ओके यस। नाउ अटेंडेंस पार्ट इज ओवर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, सब लोग ऐड हो गए मीटिंग में?
अदिति पीपी सवानी, एंजल अदिति अलग अलग है क्या? एंजल आपका अटेंडेंस हो गया है? दर्शित, दर्शित कितने टाइम बाद आया क्लास में? दर्शित का आज फर्स्ट लेक्चर है, उसका नेम नहीं लिया इसलिए। अदिति का, अच्छा अदिति का भी आज फर्स्ट क्लास है क्या? अदिति भी पहली बार आई है जो, और ये भी दर्शित भी फर्स्ट टाइम आ रहा है ना? दर्शित का भी फर्स्ट क्लास है आज, दर्शित भी कितने टाइम बाद आ रहा है? कितने टाइम तक आए नहीं तुम लोग क्लास में, आज पहली क्लास है बताओ, है ना? चलो अच्छी बात है, आए तो है कम से कम। चंदन, अदिति का नाम मैं लिख देता हूं, अदिति और दर्शित का आज फर्स्ट डे है। एक ये संजो भी नहीं आ रहा, संजो का पता करो, संजो करके कोई है आपके पीपी सवानी में? हाँ, सेकेंड मीटिंग में आधे गायब हो जाते हैं। देखो अपने लिए पढ़ना है आपने तो सीरियसली पढ़ा करो, ठीक है? बाकी आप लोग समझदार हो, खाली अटेंडेंस के लिए ना पढ़ो, पढ़ने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है? खाली अटेंडेंस के लिए नहीं पढ़ा करो, पढ़ने के लिए पढ़ाई किया करो तो आपका फायदा रहेगा, यू विल बी इन बेनिफिट, है ना? चलो ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था, हाँ केशवी राणा सेकेंड मीटिंग में 30 ही होते हैं, हाँ तो मैं ऐसा करते सेकेंड मीटिंग में भी एक अटेंडेंस लेते हैं आज से, है ना? एक मीटिंग में फर्स्ट अटेंडेंस हो जाएगी, एक क्लास छूटने से पहले भी एक अटेंडेंस लेंगे, पता चलेगा कितने बच्चे सेकेंड मीटिंग तक है, है ना? हाँ हमें भी पता चल जाएगा, एक अटेंडेंस आपकी क्लास छूटने से 5 मिनट पहले भी लेंगे, ठीक है? चलो लेक्चर के एंड में एक अटेंडेंस हो जाएगा, 10:55 को एक अटेंडेंस और लेंगे हम, ठीक है? अब दो अटेंडेंस आपके कर देंगे, चलो। कल हमने क्या पढ़ा था? हाँ कल हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बातें कर रहे थे, हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डाया पैरा एंड फेरो, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो डायामैग्नेटिक कैसे सब्सटेंस होते हैं? जिनका काई जो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि डायामैग्नेटिक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव होता है, मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव होने की वजह से इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती, ठीक है? ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव देन आई कैन से दैट परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ऐसे ही पढ़ते थे ना। परमिएबिलिटी क्या होता था आपका बताओ, परमिएबिलिटी कैसी होगी इसकी? परमिएबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, अगर ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो इसकी परमिएबिलिटी 1 से कम होगी कि 1 से ज्यादा होगी बताओ? इसकी परमिएबिलिटी वेरी करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है? परमिएबिलिटी वेरी करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है? हाँ 1 से कम होती है, इक्वल टू 1 नहीं होती है, इक्वल टू 1 कोई केस में नहीं होती है, हमेशा 1 से लेस होती है, ठीक है? अच्छा अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक के केस में हमने क्या पढ़ा था, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का मतलब वो वेरी करती है 0 से लेके कोई पॉजिटिव वैल्यू तक, ठीक है? इस पॉजिटिव वैल्यू को हम एप्सिलॉन नाम दे देते हैं, दिस इज सम पॉजिटिव वैल्यू, है ना? यहाँ तक वेरी करती है, है ना? हाँ वेरी गुड प्रियांशी ने, देखो बिल्कुल सही आंसर दिया,
और इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। क्यों 1 से ज़्यादा होती है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, और जब इसमें आप 1 ऐड करोगे किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है 1 से। बहुत ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा आपको बताऊं? इसकी ससेप्टिबिलिटी अराउंड होती है 1000 की रेंज में होती है ना, 1000 की रेंज में होती है। 1 से बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब 1000 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो उसमें क्या ज़्यादा क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी नियर अबाउट 1000 के अराउंड होती है, बहुत ज़्यादा होती है फेरोमैग्नेटिक। इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं ना। ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं बट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं बट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये होते स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए, है ना? ये कुछ टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, पैरा, फेरो और डायामे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ चुके हो ना ये टॉपिक, केमिस्ट्री में भी आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ा हो। चलो, अब आज हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे तो वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते पहले जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे, वो सारे पॉइंट्स हमारे डिस्कस कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लो, ये मैंने आपको कल बता दिए थे ना, कल कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था? डायमैग्नेटिक में पैटर्न्स ऐसे होते, देखो फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो ऐसे होता है, सब्सटेंस के अंदर से नहीं जाती। हाँ, फिफ्थ पॉइंट तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, इस तरह का पैटर्न हमने देखा था, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। देखो, फेरो में मैक्सिमम लाइंस अंदर से क्रॉस होती हुई जा रही, मटेरियल के अंदर से क्रॉस होती हुई जा रही है ना। इसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट देखो, इसमें क्या होता था देखो, परपेंडिकुलर ये हो जाती थी लाइन डायामैग्नेटिक के केस में। पैरामैग्नेटिक के केस में देखो क्या होता था, ये फील्ड लाइंस की तरफ अलाइन होती थी बट थोड़ा टाइम ज्यादा लेती थी, है ना? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड लाइंस के अलोंग अलाइन होगा पर टाइम थोड़ा ज्यादा ले, है ना? बहुत स्लोली स्लोली होता है, वेरी स्लोली 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 स्लोली, है ना? बिल्कुल सही बात। और पैरामैग्नेटिक की अगर बात करें तो देखो एकदम फटाक से फुर। चलो, फिर मैंने लिक्विड की बात करी थी, देखो अगर आप डायामैग्नेटिक लिक्विड लेते हो, है ना? हाँ, फेरो में फास्ट होता है, बहुत फास्ट, एकदम फटाक से होता है। फेरो बहुत फटेक से चलता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी, देखो सेंटर पे लिक्विड अगर हमने लिया है डायामैग्नेटिक, और जब हम मैग्नेट को क्लोज लेके आते हैं तो वो लिक्विड अवे चला जाता है क्योंकि वो उसको अपोज करता है ना। तो सेंटर पे लिक्विड, अगर आप डायामैग्नेटिक लिक्विड यूज करते हो और मैग्नेट्स को क्लोज लेके आते हो मैग्नेट के पोल्स को, तो लिक्विड सेंटर से अवे चला जाता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है ना। और जब आप मैग्नेट्स को दूर लेके जाते हो तब तो वो सेंटर की तरफ आ जाता है, वापस से वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। सिमिलरली पैरा में भी आपने देखा, पैरा में देखो, पैरा मैग्नेटिक में जब आप मैग्नेट को क्लोज लेके आते हो तो वो लिक्विड है सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है ना, लिक्विड जो है आपका सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है। दर्शनिका गामित है ऑल्सो ज्वाइन, ओके, है ना? और जब आप मैग्नेट्स को दूर लेके जाते हो तो लिक्विड भी दूर चला जाता है। सेम पैटर्न आपको फेरोमैग्नेटिक में भी देखने को मिलता है बट ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, फेरोमैग्नेट में ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है ना। हाँ, और पैरा में स्लोली होता है, पैरा में प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, फेरो में यही प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो आ जाओ अब फिफ्थ पॉइंट पे।
When a diamagnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction opposite to the inducing field. ये point हमको clear है? When the paramagnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction of inducing field. है ना? ये weakly magnetized होता है, but external magnetic field की direction. और ये बहुत strongly magnetized होता है. ठीक है? Ferromagnetic बहुत ही ज़्यादा strongly magnetized होता है. ठीक है? नहीं, ये फिर से समझाओ. फिफ्थ वाला पॉइंट केशवी, फिफ्थ वाला पॉइंट. हाँ, फिफ्थ वाला पॉइंट फिर से समझाता हूँ. देखो, सपोज करो आपने क्या किया, एक मटेरियल लिया, ऐसा आपने एक मटेरियल लिया और ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल. अब आपने एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई किया इसको. जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई किया तो इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा. दिस विल बी वीकली मैग्नेटाइज्ड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. Opposite direction to external field. ये आपका external field. Suppose करो आपने paramagnetic material लिया. तो paramagnetic में क्या होगा, आपने external field दिया तो ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा बट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. वीकली मैग्नेटाइज्ड बट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब सपोज करो आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड. ठीक है? हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? अब समझ आया? फिफ्थ पॉइंट सबको क्लियर हो गया, है ना? फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया ना. चलो अब चलते हैं सिक्स पॉइंट पे. पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स देखोगे आप. इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव. हाँ, ये तो हमें पता ही है. इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा. क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी नेगेटिव होगा, है ना? हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा इसलिए वो नेगेटिव होगा, लेस देन वन. और इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव होगा क्योंकि अभी अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही थी, है ना? तो वो पॉजिटिव होगा. और इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इन फेरोमैग्नेटिक पॉजिटिव होगा बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, है ना? इंड्यूस डाइपोल मोमेंट फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा. हाँ, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ये फर्क है कि पैरा फेरो से थोड़ा स्लो है, है ना? पैरा का जो मैकेनिज्म है वो फेरोमैग्नेटिज्म से थोड़ा स्लो है. फेरोमैग्नेटिक बहुत इंस्टेंटली शो करता है इफेक्ट, पैरामैग्नेटिक थोड़ा देर से शो करता है. बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, दो क्लास में बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत फटाफट आंसर करता है फेरोमैग्नेटिक, एक बच्चा दूसरा बच्चा आंसर करता है थोड़ा देर से करता है पैरामैग्नेटिक.
तीसरा बच्चा आंसर ही नहीं करता है, डायामैग्नेटिक, ठीक है, जो आंसर नहीं करेगा वो डायामैग्नेटिक, जो आंसर करेगा पैरामैग्नेटिक, जो क्विकली आंसर करेगा वो फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, समझ गए, इस तरह से आपका ये होता है। हाँ, एलईडी बल्ब एक हेलोजन है, बिल्कुल सही बात। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 7। एक एलईडी एक हेलोजन है। पॉइंट नंबर 7 देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता था आपका, देखो मैंने आपको कल बताया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज योर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इफ योर इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट इज नेगेटिव देन योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। If your intensity of magnetization is negative, then I can say that your susceptibility, which is your efficiency, which is I upon H, output upon input, this will be also negative for diamagnetic. ठीक है? और अगर relative permeability की बात करूं, तो which is 1 plus chi, which is between 0 to 1. समझ आया, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। घूम फिर के देखो, बात वहीं पे आ रही है, घूम फिर के हम वही चीजें फिर से डिस्कस कर रहे हैं, है ना, घुमा फिरा के वो एक ही चीज को बार बार बता रहा है, तो आपको अब ये चीज समझ आनी चाहिए, उसके स्टेटमेंट से आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि घुमा फिरा के वो गोल गोल घुमा के एक ही बात कर रहा है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेवन पॉइंट हो गया, अब आ जाओ एट पॉइंट पे। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। देखो फिर से वही बात कर दी उसने जो हम पहले ही कर चुके, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अल्टीमेटली आपको सारे रिलेशंस याद रखने हैं, इससे आपको अगर एक चीज पता चलेगी तो आप दूसरी चीज अपने आप निकाल लोगे, और तीसरी चीज अपने आप निकाल लोगे, और चौथी चीज अपने आप निकाल लोगे। अगर आपको एक की वैल्यू पता चलती है तो देखो बाकी सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटेंसिटी से कनेक्टेड है आपका ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी से आपका कनेक्टेड है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखो इंटरकनेक्टेड है ना, तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, नाइन्थ पॉइंट देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो आ गया, हैज अ वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। टेंथ, टेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं। अब ये क्यूरी लॉ क्या होता है इसको हम समझेंगे, है ना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते, है ना, लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं। अब क्यूरी का क्या लॉ है, देखो क्यूरी का लॉ ये है कि आपकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये खाली मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है। क्यूरी ने ऐसा बताया था, देखो डाया की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता, तो डाया की तो बात हम करेंगे नहीं, हम बात करेंगे पैरा की और फेरो की, ये दोनों मटेरियल्स आपके क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं। तो क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया था कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आप किस में मेजर करते हो बताओ? इन विच यूनिट यू मेजर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर? हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बताओ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? केल्विन, वेरी गुड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहां भी आएगा वहां पे आप क्या यूज करोगे? केल्विन। बहुत बढ़िया, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा किस में मेजर होता है? केल्विन में होता है, ठीक है। तो क्यूरी ने ये फाउंड किया सबसे पहले कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर जो मटेरियल का होता है वो खाली मटेरियल पे ही डिपेंड नहीं करता, मटेरियल के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपका हो गया टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए उसने देखा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो कम होनी स्टार्ट हो गई, मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिक्रीज होने लग गया, है ना। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम होने लगा, ठीक है। और ऐसा दोनों सब्सटेंस में उन्होंने देखा, पैरामैग्नेटिक में भी यही चीज देखी और फेरोमैग्नेटिक में भी उन्होंने यही सेम चीज देखी, फेरोमैग्नेटिक में भी उन्होंने यही सेम चीज नोटिस करी। बट फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर कैसा होता है अगर आपको पता हो तो, फेरोमैग्नेटिक कोई मटेरियल है आपके पास, सपोज करो ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे डोमेन्स होते हैं अलग अलग। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारे इस तरह के डोमेन्स होते हैं। अब डोमेन क्या होते हैं? डोमेन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मतलब आप सपोज करो ये जो डोमेन्स होते हैं ये डोमेन्स 1 mm जितने होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10^11। और हर एटम का अपना एक अलाइनमेंट होता है। आप सपोज करो एक गुच्छा है, पूरा गुच्छा है एटम्स का, गुच्छा एटम्स का गुच्छा होता है बहुत बड़ा, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और हर डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होता है। जैसे अगर ये वाले डोमेन की बात करूं तो इसमें सारे मैग्नेटिक मोमेंट आपके इसी डायरेक्शन में, ये वाले गुच्छे की बात करूं तो इसमें सारे मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये वाले गुच्छे की बात करूं तो इसमें सारे मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरह के डोमेन्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक आपका पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है ना। हाँ, इनकी डायरेक्शंस रैंडम होती है, पर जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हो, सपोज करो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया तो ये सारे डोमेन्स जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हो तो जितने भी आपके डोमेन्स है उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है, और बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, इसलिए जब आप एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई करते हो तो जितने भी डोमेन्स है सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही लाइन में अलाइंड हो जाता है। बहुत क्विक होता है ये, है ना, ये एक्शन बहुत ही क्विक होता है। हाँ, आयरन नेल की तरह आप बोल सकते हो,
अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है ना, दो तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक में भी दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तो आपके होते हैं जिनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल, ठीक है, दो तरह के फेरोमैग्नेट्स होते हैं, वन इज योर हार्ड फेरोमैग्नेट्स, एंड वन इज योर सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। दो तरह के फेरोमैग्नेट्स पाए जाते हैं, एक आपका हार्ड फेरोमैग्नेट होता है और एक आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होता है ना। अब हार्ड फेरोमैग्नेट में कौन कौन से आते हैं आपके एग्जांपल्स, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ठीक है, ये सब आपके हार्ड फेरोमैग्नेट हो गए, है ना, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब आपके हार्ड फेरोमैग्नेट्स। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट आपके होते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट में कौन आता है आपका, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। अब सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स कहां पे यूज होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स जो होते हैं, सॉफ्ट आयरन जो होता है, ये आपका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और आपका जो हार्ड आयरन होता है ये यूज होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो आपके होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं आपके, टेम्परेरी मैग्नेट्स। इसमें आप क्या करते हो, सपोज करो आपने एक सोलेनोइड लिया और उसके अंदर कोई मटेरियल को रखा, सपोज करो सॉफ्ट आयरन, और इसमें आपने करंट पास किया, तो जैसे ही आप करंट पास करोगे तो आप देखोगे करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका ये जो मटेरियल है ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। और जैसे ही मैग्नेटाइज हो जाता है तो ये मटेरियल आपका जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब जैसे ही आप करंट स्टॉप कर दोगे तो ये मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा और फिर वापस ये सॉफ्ट आयरन बन जाए। समझ आया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, मतलब जब तक आप करंट पास कर रहे हो कॉइल में तब तक वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और जैसे ही आपने करंट पास करना बंद कर दिया तो वो जो मटेरियल होते हैं वो वापस सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते, ठीक है। इसके अलावा अगर परमानेंट मैग्नेट्स की बात करूं तो परमानेंट मैग्नेट्स परमानेंट होते हैं तो हमें पता ही है, लेकिन इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कंपैरिजन में इनका मैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा लेस होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि परमानेंट मैग्नेट्स जैसे आपके बार मैग्नेट हो गए, इनकी पोलारिटी फिक्स होती है, इनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके फिक्स्ड होते हैं, पोलारिटी जो होती है इनकी फिक्स्ड होती है। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट्स की आप पोलारिटी को चेंज कर सकते हो, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे देन पोलारिटी आल्सो रिवर्स, आप नॉर्थ साउथ को साउथ नॉर्थ में कन्वर्ट कर सकते बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट।
सो टेम्पररी मैग्नेट्स में आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि आप पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते, ठीक है। हाँ, स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स वाला आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, 10th क्लास में ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती है, तो ये सब बच्चे 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के आते हैं, और 12th में आते हो तो थोड़ा आप डिटेल में इसको पढ़ते हो, 12th क्लास में आते हो तो आपको डोमेन स्ट्रक्चर ये सब पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा होता है इसको याद रख लो, 12th क्लास में आते हो तो आपको पता चलता है ऐसा कोई लॉ भी होता है। तो हम बात कर रहे थे क्यूरी लॉ की, तो क्यूरी का जो लॉ है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और क्यूरी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली होता है 768 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है मेरे ख्याल से, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा क्यूरी टेम्परेचर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते कई बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूरी टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है ना, तो इसके अराउंड होता है क्यूरी टेम्परेचर, अगर इससे ज्यादा आप टेम्परेचर कर देते हो, अगर आप क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो होता क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक के डोमेन्स होते हैं, जैसे ये एक डोमेन है ये दूसरा डोमेन है, इस तरह से जो डोमेन्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक के जो डोमेन्स होते हैं ये डोमेन्स ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डोमेन ब्रेक हो जाते, और जब डोमेन आपके एक बार ब्रेक हो गए तो वो फेरोमैग्नेटिक अब फेरो नहीं रहता है, वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक,